हेलो गाइस, स्वागत है आपका सनमा कोचिंग क्लासेस में। सीएमओ के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो अब पढ़ाना बंद, केवल टेस्ट सीरीज रिवाइज प्रैक्टिस, और आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे चैनल में। अब क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज और रिवाइज प्रैक्टिस, मतलब मैं लगातार अब टेस्ट सीरीज लूंगा। आपने क्या पढ़ा है आप इसी से चेक करिए, ठीक है? मिक्स टेस्ट रहेगा, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना आप? आपका एक प्रकार से फाइनल टेस्ट है ये, इसको दे दीजिए। जिससे ज्यादा बनेगा समझ के तैयारी अच्छी है, जिससे नहीं बनेगा कम से कम इसको करके जाएंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस, ठीक है? अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार देखने आए हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्यों? ताकि कोई भी नया वीडियो डालूंगा मैं पढ़ाई से रिलेटेड तो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन कैल्शियम के कारण होता है। वो जो भारीपन होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चन है, तो सब मिलेंगे आपको एक साथ। देखते अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित रहती है? निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप से लेपित रहती है, मतलब किससे उसको मतलब लेपित किया जाता है, है ना? तो ये है इसका आंसर बी, फेरोमैग्नेटिक चून से लेपित किया जाता है टेप रिकॉर्डर को। अगर आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा तो जिसमें जो लेपन हुआ रहता है वो किसका मिश्रण रहता है? फेरोमैग्नेटिक चून का मिश्रण होता है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है किसमें? सोडियम को किसमें डुबा के रखते हैं? सोडियम धातु को किसमें डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम को डुबा के रखा जाता है केरोसिन में। केरोसिन में सोडियम धातु को डुबो के रखा जाता है। और आज के वीडियो की मुझे 1000 लाइक चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, तब भी मुझे कम से कम 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? अगला, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बाइड, कार्बाइड, है ना? ठीक है, आंसर सी ये आपका आंसर है, ठीक है? यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बोमाइड होता है यूरिया का रासायनिक नाम, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पांचवा नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। दो मिनट, थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूं मैं। हाँ, पांचवा नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? तो कहलाता है आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। निम्न में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? निम्न में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? तो निम्न में से हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है, ठीक है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका आठवां। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? जल से कौन हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है, ना कि जल में रखा जाता है ना, ये चीज आप ध्यान देंगे। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन नंबर देखेंगे आप। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर की गैस होती है, ठीक है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर की गैस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखते अगला क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, मतलब Mg कोष्टक में OH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कॉटराइज किससे बनते हैं?
तो ये है कैल्शियम सिलिकेट से। क्वाटराज किससे बनते हैं? कैल्शियम सिलिकेट से बनते हैं। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है, आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर है डी। सोना का धातु बनता है तो उसमें मिश्रण के लिए कॉपर की मात्रा Cu मिलाई जाती है। कॉपर मतलब तांबा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ ऑसफ डीन ने किया था। ये पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार ऑप्शन सी जोसेफ ऑसफ डीन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है इसमें से ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण से होती है? तो प्याज व लहसुन में गंध पोटेशियम, पोटेशियम होने के कारण इसमें एक स्मेल आती है या एक अच्छी सी गंध आती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो होता है आपका कोयला। ये हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक सोर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? वो आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो पनीर एक प्रकार का जल है। क्या है? पनीर एक प्रकार का जल है। देखो पूरे क्वेश्चन को डील तो नहीं कर सकता मैं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते चलेंगे और लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन देखो। सिरका है ना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एथानोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एथानोइक एसिड बोलते हैं सिरके को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? तो पेट्रोल है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कहलाता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से हमें पॉलीथीन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखो। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रेयान। रेयान को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नायलॉन है, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है? पॉलीड एमाइड, एमाइड होता है। 25 नंबर देखो। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? वो होता है हीरा। क्रिस्टल हीरा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है? हीरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण। क्या होता है? कांच होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं डायनामाइट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? वो होता है, देखो क्या है, किस अम्ल में ऑक्सीजन ओ नहीं होता? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक। HCl होता है ना इसका फॉर्मूला, HCl, इसमें अम्ल नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशक में होता है क्या? तो ये होता है बेंजीन। इसमें क्या पाया जाता है? बेंजीन की मात्रा पाई जाती है जो बदबू को खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो ये है, सॉरी वो वेल्डिंग है पर बिल्डिंग छप गया है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो ये आपका आंसर है, उसमें होता है ऑक्सीजन व एसिटिलीन का मिश्रण होता है, तब
वेल्डिंग की प्रक्रिया हो पाती है, ऑक्सीजन से आग लगती है और एसिटिलीन से उसको काटा जाता है। देखते अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है एल्यूमिनियम। संकेत होता है Al। क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज 70 MCQ कराऊंगा मैं आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, सॉरी आपके सीएमओ के एग्जाम के लिए मैं 70 MCQ कराऊंगा और ये रेलवे में भी काम आ जाएगा। ठीक है ना। देखते अगला क्वेश्चन। अग्निशामक से निकलती है क्या? अग्निशामक मतलब फायर ब्रिगेड से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ही हम आग को बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्यूमिनियम को क्या कहा जाता है? पायराराइट्स। पायराराइट्स कहा जाता है कच्चा एल्यूमिनियम को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 70 कराऊंगा, 70, तो वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको 70 के 70 GK मिल सके। और आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे पेड PDF ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और इसका मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 7828059949। हमारी पेड क्लासेस भी चलती है जो आपको पर्सनली गाइड करेगी, आपको कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए नोट्स अवेलेबल कराएगी, टेस्ट सीरीज देगी, सब कुछ भी मिलेगा हमारे पैड ग्रुप में। तो जो जुड़ना चाहता है, जो जो नहीं जुड़ना चाहता बिल्कुल वो वीडियो देखिए, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। देखो आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप वीडियो में बने रहिए। क्या दिया क्वेश्चन? देखो आवर्त सारणी में W अक्षर का किस तत्व को दर्शाता है? तो W है टंगस्टन का संकेत होता है। W टंगस्टन का संकेत होता है W। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में है? 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान किससे व्यक्त किया जाता है? AMU से व्यक्त किया जाता है परमाणु का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? यू मतलब यूरेनियम, तो न्यूट्रॉनों की संख्या है 146। अब कैसे निकालते हैं उसके लिए एक अलग, सॉरी हाँ 146, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो यह है आपकी गामा किरणें, वो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, पर इसको कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोलियम किसके जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो जटिल मिश्रण होता है वो होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है CB देसाई जी ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल क्या कहलाता है? बोलते हैं उसको कठोर जल। कठोर जल झाग नहीं बनाता, मतलब जल्दी नहीं बनाता पर बाद में बना लेता है। निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? तो वो है ब्यूटेन, इसलिए उसको हम बोलते घरेलू गैस या LPG गैस भी कहते हैं। 44 नंबर देखो। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी H2SO4। अगला, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के। अगला, जल की सशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? मतलब जल को शुद्ध करने में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है जल की शुद्धि में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, हवा का वाष्प घनत्व। अगला, पानी व चौक के मिश्रण को पृथक कर
किया जाता है किस विधि से, तो यह है आसवन, अवसादन द्वारा, सॉरी अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। अगला माइका क्या है, तो माइका विद्युत का कुचालक होता है। अगला शुद्ध जल का क्वथनांक फेरनहाइट स्केल पे क्या होता है, तो यह होता है 212, कितना होता है 212 डिग्री। अगला सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में होने वाली गैस क्या होती है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन, ट्रिगर मतलब इसको छोड़ने से प्रक्रिया चालू हो जाती है। अगला बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था कब, तो यह है टोक्यो में किया गया था, ठीक है। अगला सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम रूप में परिवर्तित होता है, वो है सीसा। अगला रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या, वो है कैरामल, किसका उपयोग किया जाता है, कैरामल का उपयोग किया जाता है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो वो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, वो है बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, वो है परमाणु क्रमांक पे, किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे। अगला एनटीपी पर किसी गैस में के एक मोल का आयतन कितना होता है, तो वो है 22.4 लीटर होता है। अगला अपमार्जक है, अपमार्जक क्या होता है, शोधक अभिकर्ता, क्या होता है, शोधक अभिकर्ता। अगला आरडीएक्स का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव्स, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव्स। अगला बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। अगला अश्रु गैस का रासायनिक नाम, यह होता है क्लोरो एसीटोन फिनोन, क्लोरो एसीटोन फिनोन, सी ऑप्शन। अगला प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, वोहलर, वोहलर ने किया था सबसे पहले, किसने किया था, वोहलर ने किया था। अगला मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है वुड एल्कोहल, क्या कहा जाता है, वुड एल्कोहल। अगला डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, ऑप्शन डी होता है। अगला गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है, तो यह है एथेनॉल एथाइल एल्कोहल का, एथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी का आकलन किया जाता है। अगला रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या, तो ये सभी अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्राइटेनियम, क्या कहलाते हैं, ट्राइटेनियम। और लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो बिल्कुल इसको देखिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए, बार बार देख के कितना बना कितना नहीं बना, है ना, ये ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव कराया, कोई डिटेलिंग नहीं था इसमें। और ये कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं अपने इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।